नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में, जिसकी परीक्षा दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने जा रही है और ये भाग 15 है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, क्या तरीका है? इसका आंसर होगा डी, यानी मूल्यों पर अर्धशास्त्रात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए विकल्प दिया गया, इसमें कूट में कौन कौन इसमें सही होगा उसके बारे में। पहला है इसमें विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, ये सही है। दूसरा है अभिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्व्यक्तित्व संबंध, ये इसमें गलत है। दूसरा, तीसरा है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, ये सही है। तीसरा, चौथा दिया है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी सही है। पांचवा दिया है इसमें निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, ये गलत है। छठवां है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, तो ये इसमें सही है। यानी पहला, तीसरा, चौथा और छठवां, ये इसमें कूट सही थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी कथन और तर्क से। तो देखिए दिया है अभी कथन, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ाता है या बढ़ावा देना है। तर्क है इन योग्यताओं से कार्यस्थापन सुनिश्चित होता है। तो देखिए ए आर तो दोनों सही है, चार ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमेलित करने के लिए, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है ये? तो ये है प्रश्नोत्तरी चर्चाएं से। संकलनात्मक मूल्यांकन ये किससे संबंधित है? तो ये है अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। इसके बाद सी दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ये किससे है? तो सी का 1 हो जाएगा, यानी नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। और डी है, डी का हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी मानक एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण है, किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या, इस प्रकार ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए, कारणों की सूची है। चलिए देखते हैं, इसमें पहला है अध्यापक को विषय का ज्ञान, ये तो सही है। दूसरा दिया है इसमें विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, दूसरा गलत है इसमें। तीसरा है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, ये सही है। चौथा दिया है इसमें विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, ये गलत है। और पांचवा दिया है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी गलत है। छठवां है कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता, यानी इसमें छठवां सही है। यानी 1, 3 और 6, इसका आंसर हो जाएगा डी,
कूट जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है, औचित्य का आधार है, क्या आधार है इसका? इसका आंसर होगा सी, यानी विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शोध के लघु शोध प्रबंधन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, इसका आंसर होगा सी, यानी प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रानुभिक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों की सूची उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शोधार्थी, देखिए इसमें दिया है शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है, गलत है। दूसरा है, उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्घृत किया जा सकता है, ये सही है। तीसरा है, शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं, ये गलत है। चौथा है, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है, चौथा सही है इसमें। इसके बाद पांचवा देखे दिया है, अन्य शोधों के साक्ष्य का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्तात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है, गलत है ये। इसके बाद है छठा, इसमें नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका आंसर ये छठा सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 4 और 6, इसमें सही होगा, तो इसका आंसर होगा सी, सही कूट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसमें, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों के प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकारता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रभावित किया जाता है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.1 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है, शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है, क्या निर्णय अपेक्षित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी, तो ये पद्धति है कार्योत्तर पद्धति, यानी डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है, इसका आंसर होगा बी, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभावी संप्रेषण में अंतरोधक क्या है, प्रभावी संप्रेषण में अंतरोधक क्या है, इसका आंसर होगा ए, यानी नीति प्रवचन, निर्णय पूर्वक होना और संतोना प्रदायी टिप्पणियां। क्वेश्चन नंबर 16 है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, अकेलापन होगा, सन्धिन्य, उपयोगिता, अकेलापन, यानी ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सर्वोत्तम विकल्प होगा, आंसर होगा सी, यानी सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग सम्मान प्रतिस्थिति के हैं, ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षैतिज संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद 20 के बाद अगला पार्ट अगले दिन अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खींच रहा है इसलिए 20 क्वेश्चन का ही अपलोड कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाक स्वराघात परिवर्तन या वाक माडुलन। तो ये होगा इसका आंसर। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।